आज का दिन ऐसा दिन धूमधाम से मनाया जाता है जो 15 अगस्त के दिन है। और जहां पर आज मैं पहुंचा हूं उत्तराखंड का देहरादून है और जगह जगह पर झंडे लहराए जा रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस का एक रूप किस खुशी से मनाया जा रहा है यहां पर आप देखिए। छोटे बच्चे हो या बड़े हो, स्कूल कॉलेज सब बंद है, लेकिन फिर भी हम अपने माहौल में एक खुशी का वातावरण देख रहे हैं। झंडे के साथ में लोग खड़े हैं, एक बस्ती के लोग हैं, साथ में कुछ छोटी बड़ी राजनीति के भी लोग हैं। हम बात करते हैं यहाँ पर, सोनू जी हैं जो पार्षद हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, यहाँ पर आज का दिन बड़ी खुशी से मनाया जा रहा है, और क्या हर साल इसी प्रकार से आप ये प्रोग्राम यहाँ पर करते हैं? सबसे पहले तो मैं समाचार इंडिया के माध्यम से देश और प्रदेश के सभी लोगों को मुबारकबाद, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ 74वें स्वतंत्रता दिवस की। और आज जो दिन हमें ये देखने को मिला है, जिन लोगों की वजह से मिला है, मैं उन लोगों को, सब लोग एक हाथ से सैल्यूट करते हैं, मैं दोनों हाथों से सैल्यूट करना चाहता हूँ उन लोगों को, उन महायोद्धाओं को जिन्होंने अपने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है कि इस देश में हर तबके के, हर धर्म के लोगों ने जो खून बहाकर आज इस दिन को हमारे लिए छोड़ा है, लेकर आए हैं, उनका तहे दिल से मैं आभार करता हूं। और हमेशा हमेशा उनके परिवार वालों का, जिन जो उनके साथ जुड़े रहे, उनका तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों की वजह से, आप योद्धाओं की वजह से हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और आज एक गर्व का दिन है, बहुत बड़ा दिन है देशवासियों के लिए, हिंदुस्तान के लोगों के लिए, कि हमारे जो नई जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, इस दिन को याद रखा जाएगा और इतिहास में, पन्नों में यह हमेशा रहेगा। और है कि कितने लोगों ने किस तरीके से बलिदानियाँ दी हैं, कुर्बानियाँ दी हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि हर धर्म के लोग इसमें जुड़े हैं, हर धर्म का लोगों का खून इस मिट्टी में शामिल है। मैं इसी वजह से सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लोग यहाँ पर आए उन लोगों को धन्यवाद, और पूरे देश और प्रदेशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। आज का दिन वो दिन है जहां पर महात्मा गांधी और तमाम बड़े बड़े वो चेहरे जिन्होंने अपना जान, माल और जिंदगी को लुटा कर अपने देश की उन्नति और आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। लेकिन मैं एक छोटे से बच्चे का चेहरा दिखाता हूं जो एक महात्मा गांधी जी के रूप में है। आप इस बच्चे को देखिए, और क्या लगता है आपको जो यहाँ पर बच्चा एक रूप लेकर आया है महात्मा गांधी जी का, और यहाँ पर झंडा लहराया गया है, लेकिन आप इस बच्चे को देखिए और समझिए, बच्चे के अंदर भी एक वो आत्मा है जो देश के प्रति, आज़ादी के प्रति कितनी खुशी का एक रूप है। आप इस चेहरे को देखकर क्या लगता है आपको? आप इन लोगों को देखिए जो साथ में वो लोग आए हैं, आपको समझिए किस प्रकार से हमारे देश में राजनीति हुई है, लेकिन क्या महात्मा गांधी जी का चेहरा देखकर कोई समझ पाता है कि हम किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं? आपको क्या देखना है आज़ादी के रूप में, रंग कितने देखने हैं या राजनीति के रंग देखने हैं? तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं और बड़े लोग भी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर तिरंगा जब लहराया गया सब ने देखा और चेहरे पर खुशी है। आज का दिन तो हमारे लिए गर्व का है, और आगे भी हम लोग इसी प्रकार से देश की उन्नति के लिए काम करते रहिए, आप भी करते रहिए, हम सब लोग कर रहे हैं। आप देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक।